दशहरा के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाइट सफारी की सौगात दी है और इस नाइट सफारी की जानकारी खुद प्रदेश के मुखिया ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके साझा की। ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, प्रदेश सरकार लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी स्थापित करने की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और बायोडाइवर्सिटी पार्क राजधानी लखनऊ में बनाएगी। देश में 13 ओपन डे सफारी है लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। इसके अलावा कैनोपी वॉक, कैंपिंग गतिविधि, माउंटेन बाइक ट्रैक, वॉल क्लाइंबिंग, टी टॉप रेस्तरां, नेचर ट्रेल और फूड कोर्ट की भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नाइट सफारी में भव्य प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है। वन्य जीवों को बाड़े में न रखकर खुले आकाश में कैटल ग्रिड में रखा जाएगा। ये एक ओपन एयर निशाचर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में ही खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए मंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। दिन में पर्यटकों के लिए आधुनिक थीम पार्क बनाया जाएगा। प्राणी उद्यान और नाइट सफारी की स्थापना में मौजूद वनस्पति और जीवों को प्रभावित न करते हुए अधिक से अधिक ऐसे खुले क्षेत्र जो वर्तमान में उपयोग में नहीं है उनका प्रयोग किया जाएगा। कुकरेल वन क्षेत्र जहाँ जहाँ बाहरी क्षेत्र और मार्ग से जुड़ा है वहाँ 4 लेन के मार्गों का निर्माण किया जाएगा जिससे वहाँ पर आने जाने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कुकरेल नदी को चैनलाइज कर आकर्षक रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राणी उद्यान और कुकरेल नाइट सफारी में पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम योगी प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं जिसका नतीजा है कि देश की पहली नाइट सफारी बनने जा रही है। फिलहाल कुकरेल वन क्षेत्र में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र, चिल्ड्रन पार्क और एक वन विश्राम गृह है। We'll be right back.